अमृत वेले दीआं पावन पवित्र बाणियां सरवण कर रहे सी, सतगुरां दे दर्शन दीदारे कर रहे हाँ। सो आओ गुरु सवारियो, हुण चल रही होर शब्द की लड़ीवार विचार दे नाल सांझ पाउण दा सुभाग समा सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिया है। सो इस वेले की हाजरी जुगो जुग अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणा चलवाइए। प्यार साहिब फतेह की सांझ पाओ, कहो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही पावन पवित्र लड़ीवार विचार दे विच इन्नी दिनी राग भैरव बाणी नामदेव जी की, भैरव राग विच दर्ज पावन पवित्र बाणी जो भगत नामदेव जी द्वारा उच्चारण की हुई है, इस पावन पवित्र बाणी की विचार सरवण कर रहे हाँ। सो आओ गुरु सवारियो, अज की पावन पवित्र विचार आरंभ करने तो पहला मन बिरतियां करो जी एकागर, देवो असीस कहो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह, गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह। सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दर्ज पावन पवित्र बाणी जो भगत नामदेव जी द्वारा उच्चारण की हुई है, अजोकी चल रही विचार वाले शब्द की शुरुआत कल दे रोज हुई है। आरंभ विच भगत नामदेव जी अपनी पावन बाणी विच लिखते हैं कि सुल्तान पुछै सुन बेनामा, देखो राम तुम्हारे कामा, नामा सुल्ताने बादला देखो तेरा हर बीठला। यह रहाव वाले बंद भी ने, शब्द की शुरुआत भी है। कल दे रोज आपां सरवण किया है कि नामदेव जी नूं सुल्तान ने भाव मुहम्मद बिन तुगलक, जिहदा साखीकार अनुसार नाम सलेम शाह भी आउंदा है, उस बादशाह ने नामदेव जी नूं काजियां मुला मुलाणियां दे साजिश दे कारण, उन्हां दी शिकायत करन दे कारण भगत नामदेव जी नूं बादशाह ने गिरफ्तार करवाया ते बन लिया, ते नाल ये कह दिता है कि हुण तेरा मैं रब वेखना है परमात्मा कि वो की करता है तेनूं किवें बचाउंदा है। कल दे रोज ये भी सरवण किया कि मरी हुई गां जवाउण वास्ते भी नामदेव जी नूं कहा। नामदेव जी ने जदों अगों गुरमत दे अनुसार उत्तर दिता तां बादशाह होर चिड़ गया ते इक हाथी नूं अग बबोला करके नामदेव जी नूं मारन वास्ते छड़ दिता। हाथी मारदा भी है, भाव सुंड दी चोट मारदा है, पर नामदेव जी परमात्मा की प्रेमा भगती दे कारण उस हाथी की मार तो बच जाते हैं। हुण बादशाह बहुत हैरान है कि सारे काजी मुला मैनू सलाम करते हैं, मेरा अदब करते, मेरी इज्जत करते, ये हिंदू नामदेव ने तो मेरा मान ही मल दिता है, भाव मेरा मान तो नहीं करता। दूसरे पासे नामदेव जी कहिंदे कि साडे पैरां विच बेड़ियां ने, पर इस हालात दे विच भी असी हत्थां दे नाल ताड़ी मार के उस परमात्मा का नाम जप रहे।
अज दे इस शब्द की शुरुआत दे विच नामदेव जी कहिंदे आ कि नाम जपन का सिलसिला साडा इदां दा है कि गंगा ते जमुना उल्टी वह सकती है, पर नामदेव परमात्मा की भगती करनी बंद नहीं कर सकता। गंगा ते जमुना अपना बहाव बदल सकती है, पर असी अपनी प्रेमा भगती नूं नहीं त्याग सकते। भगत नामदेव जी बख्शिश करते हैं, गंग जमन जो उल्टी बह, जे गंगा ते जमुना उल्टियां भी वगन लग पैन तो नम हर करता रहै, तां भी नामदेव जिहड़ा है हरी परमात्मा की भगती करता रहेगा। सात घड़ी जब बीती सुनी, क्योंकि सत घड़ियां बादशाह ने टाइम दिता सी कि इन्ने चिर जे तू गां जिंदा कर देवें तां फिर तैनू छड्ड दिता जाएगा, तेरी जान बख्श दिती जाएगी। नहीं तो फिर दो ही रस्ते ने, एक तो मुसलमान हो जाओ तो दूसरा मरन वास्ते तैयार हो जाओ। नामदेव जी कहिंदे ने कि हुण बादशाह ने जो मोहलत दित्ती सी वो जदों घड़ियाल दे उत्ते सत घड़ियां सुनिया गई, सत चोटां जदों घड़ियाल ते वज्जियां तां नामदेव जी कहिंदे आ कि असीं वेख रहे हां कि अजे भी रब नहीं बौड़िया, परमात्मा नहीं आया। सात घड़ी जब बीती सुनी, अज हो ना आयो त्रे भवन धनी, तिना भवनों का मालिक परमात्मा अजे भी प्रगट नहीं होया, सत घड़िया बतीत हो गई ने। अजे नामदेव जी ने उस परिपूर्ण परमात्मा नूं याद ही किया है कि नामदेव जी कहिंदे आ कि पाखंतन बाज बजायला, खंभां दा वाजा वजदा सुनिया, जिवें कोई पंछी उड़दा तो खंभां की आवाज आउंदी ना, इदां दा कहिंदे आ कि आवाजा आया। पाखंतन बाज बजायला, गरुड़ चढ़े गोविंद आयला। कहिंदे ने कि गरुड़ रूपी पंछी दे उत्ते चढ़े हुए गोविंद, भाव परमात्मा भगवान जी, क्योंकि विष्णु की सवारी जिहड़ी है गरुड़ पंछी की दसी जाती है। सो कहिंदे आ कि गरुड़ ते चढ़िया होया मेरा परमात्मा, मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा आ गया। सत घड़ियां मोहलत बीतण वाली सी, बीत चुकी सी कि परमात्मा प्रगट हो गया। कई बार परमात्मा की रहमत ऐन उस मौके होंदी है जदों सानू भी इंज लगता है कि ये तो हुण कम ही सिरों लंघ गया, जां लोकां नूं भी लगता है कि हुण तां इह गया, पर जदों परमात्मा बख्शदा है ना तो वह एक छेनी लाउंदा है। ये साडा जां साडे नाल संबंधित लोगों का हिसाब तो हो सकता है कि यह हुण कुछ नहीं हो सकता, पर परमात्मा के हाथ वस सारी खुंडी होंदी है। वो एक दे एक अख दे चमकन जितने समय दे विच ही ऐसी रहमत बरता दिंदा है कि वड़े वड़े हैरान हो जाते। हुण इत्थे भी जदों भगवान प्रगट हो गए, नामदेव जी कहिंदे आ कि गरुड़ चढ़े गोबिंद आयला, गरुड़ पंछी उत्ते चढ़े हुए भगवान जी प्रगट हो गए। अपने भगत की, अपने भगत पर की प्रतपाल, कहिंदे ने कि उन्हां अपने भगत की रक्षा की। प्रतपाल तो भाव हुंदा रक्षा करना। अपने भगत की, अपने भगत पर की प्रतपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल, परमात्मा जी गरुड़ ते चढ़ के आ गए। हुण जदों परमात्मा जी प्रगट हो गए तां नामदेव जी नूं संबोधन होकर कह रहे आ, कहिंदे कि गल करो कि असीं इह धरती पुठी कर दईए फड़ के, जिहड़ी धरती उत्ते परमात्मा दे भगतां नूं दुख दिता जा रहा है, परमात्मा दे भगत सताए जा रहे ने, दसो असीं इस धरती नूं फड़ के पुठी कर दईए। कहे तां धरन एकोडी करो, कहे तां ले कर उपर धरो, जे तू कहे तां मैं इस धरती नूं हथ विच लै के हेठला पासा उत्ते ते उतला हेठां कर देवां।
क्योंकि लोग तो तुहानू दुखी कर रहे हैं। जिथे मेरे भगतां दा सत्कार नहीं, जिथे मेरे प्यारियां दा सत्कार नहीं, उस धरती दे नाल ऐसा ही होना चाहिए। परमात्मा कह रहे हैं कि गल करो, जे तुहाडा हुक्म होवे। भगत नामदेव जी कहिंदे आ, खुद लिख रहे हैं, तो ये जिहड़ा पावन शब्द है ना, ये गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आप खुद भगत नामदेव जी का शब्द भाई गुरदास जी वर्गे, भाई गुरदास जी तो उस वक्त जेडे सिख हाजर सन उन्होंने खुद ये नामदेव जी का शब्द सुनाया, तो नाल ही साखी भी सुनाई कि इस तरीके दे नाल नामदेव जी दे नाल ये वर्तारा वरत्या। फिर अगे कहिंदे आ कि कहे ता मोई गौ देव जी आए, जे तू कहें ता मैं मरी हुई गां जिंदी कर देवां। सब कोई देखे पति आए, सारे चंगी तरह वेख लैणगे जदों ये सारा कुछ होवेगा। भगवान कहिंदे आ जदों कोई मदद ते आउंदा है ना, उदों इदां ही हुंदा, दिलों मदद ते आ जावे ना, वो फिर कहिंदा है कि हुण चंगी तरह तसली करवा देने, अगला हुण वेख ही लवे। आपां संसारक तौर उत्ते कोई झगड़ा आद हो जावे ते दिलों मदद ते आ जावे, ते इदां ही कहिंदा कि हुण चंगी तरह तसली करवा दईए। फिर भगवान भी कहिंदे आ नामदेव जी नूं, कहिंदे आ कि हुण गल करो, जे कहो तां धरती पुठी कर देवां, जे कहो तां हेठला पासा हाथ विच फड़ के उत्ते ते उतला हेठा नूं कर देवां, जे कहो तां मरी हुई गां जिंदी कर देवां, तां जो ये लोग चंगी तरह प्रतख रूप विच वरतारा वेख लैण कि परमात्मा भगतां दी किवें रखिया करदा है। सब कोई देखै पति आए, नामा प्रणवै सेल मसेल। हुण नामदेव जी बेनती कर रहे आ कि तुसीं गां नूं न्याणा पा दिओ, लोकां नूं कह रहे, क्योंकि भगवान ने हुण शादी दे दित्ती कि मैं जो तुसीं कहोगे वो करन नूं तैयार, क्योंकि प्रगट हो गया है। सेल मसेल तो भाव है कि रस्सी पा देनी, न्याणा पा देना, मंगा जिन्हों आप कह दें। नामदेव जी ने आख्या कि हुण गां नूं ना तुसीं न्याणा पा दिओ, मंगा पा दिओ। गां हलाल कीती हुई है, बिस्मल कीती हुई है, इहदा वर्तारा भी इदां वरतदा है कि एक बार भगत नामदेव जी जिथों सारा मुढ बजदा है इस चीज़ का, मसाणा के रस्ते प्रेमा भगती कर रहे सन परमात्मा की, जिहड़ा राह सिव्या नूं जांदा सी। भगत जयदेव जी की पत्नी पद्मावती, भगत जयदेव जी चढ़ाई कर चुके हैं, तो पद्मावती जिहड़ी आ उहदे नाल सती होने वास्ते नाल नाल जा रही है। चार बंदिया ने भगत जी का जयदेव जी का शरीर चुकया है, तो हुण जदों पद्मावती ने सोचा कि मैं सती तो हो ही जाना अपने पति दे नाल, क्यों ना भगत नामदेव जी के दर्शन ही कर दी जावां, उन्होंने नमस्कार कर लवां। भगत नामदेव जी अखां मुंद के अखां बंद करके बैठे हुए सन, पद्मावती ने नमस्कार की है, भगत नामदेव जी ने नेत्र खोलिया, तो एक पूरे सजरे सवरे रूप वाली इसत्री वेख्या, हाथ में नारियल फड़िया, तो नामदेव जी के मुख चो निकलिया सदा सुहागण रहो। हुण चली तो वह अपने पति दे नाल सती होने वास्ते है, पर बचने कर दिता कि सदा सुहागण रहो। हुण पद्मावती ने भगत नामदेव जी ने आख्या कि तुसी रब दे प्यारे हो, ते तुहाडा वचन खाली नहीं जाता, ना जाना ही चाहिए है। अपने पति की लाश, भगत जयदेव जी की लाश जिहड़ी है, वह नामदेव जी के अगे रख दिती, कहिंदी हुण कृपा करो फिर सदा सुहागण वाला जिहड़ा वरदान दिता जे, हुण इहदे विच जिंद भी पा दिओ। भगत नामदेव जी नूं पछताया, पछतावा होया अपनी गल दे उत्ते कि इहदे नाल तां चुप ही रहिंदे भला सी, हुण तां रब दे हुकम दे विच दखल अंदाजी वाली गल है। फिर सोचा कि वचन भी तो रब ने कढ़ाए है ना, बाणी पढ़ के उस करते नूं याद करके जल भगत जयदेव जी दे मुख विच पाया, तां जयदेव जी जिहड़े आ उह जिंदा हो गए, कहण तों भाव कि जो वचन नामदेव जी दे मुख विचों निकलिया सी
वह वचन पूरा हो गया। जदों ये गल आम लोगों में फैली तो यह प्रचलित हो गया कि नामदेव जी तो मुरद्यान भी जिंदा कर देंगे। वैसे तो अज भी कई दावेदार हुंदा तो नहीं, पर दावा करने वाले बड़े आ जी, असी मुरदे जिंदा कर दें। पर इहदा विजाना भी कई बार ना फिर भुगतना पैंदा है, जे रब दे हुक्म च दखलअंदाजी भावें किसी भगत साहबान ने की। बाबा अटल जी दे नाल भी जुड़ी हुई साखी आपां सरवण करदे हुंदे आ। सो कहण तों भाव कि जदों ये गल प्रचलित हो गई तो काजी मुल्ला जिहड़े आ बड़े औखे होए कि यह तो बड़ा काम खराब है, सानू किहने पुछना है। उधरों कहिंदे आ कि राजा जिहड़ा सी ना सुल्तान सलीम शाह जां मुहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि बादशाहां दे दो दो नां हुंदे ने, जिवें जहांगीर का पहला नाम शहजादा सलीम सी, तख्त ते बहन तो बाद उन्हें जहांगीर भाव जहान नूं जितण वाला अपना नाम जिहड़ा वह रखाया। हुण सलीम नूं घट लोग जानते आ पर जहांगीर नूं ज़्यादा जानते आ, क्योंकि वह नाम एक बादशाह दा है ते जिहड़ा पहला नाम सी सलीम वह एक राजे दे पुत्र दा सी जिहड़ा बादशाह नहीं सी। सो उस बादशाह दी सुल्तान दी गां बीमार हो गई, काजियां ने सोचा हुण गां मरते जानी है ते क्यों ना इनू बिस्मिल कर दिता जाए, भाव हलाल कर दिता जाए। उहदे तो बाद नामदेव नूं कहा जाए कि हुण इह गां जिंदा कर, जे तेरे बारे बारे इह प्रचलित है कि तू जयदेव जी नूं जिंदा किया जां तुसीं मुरदिआं नूं जिंदा कर सकदे हो। ते नाल ही सुल्तान नूं कह दिता कि पखंड है, केवल झूठ है, जे तो नामदेव जी गऊ जिंदा कर देंदे आ ठीक है, नहीं तो जां तां इह मुसलमान होणगे ते जे नहीं मुसलमान होंदे तो इन्हां नूं कतल कर दिता जाऊगा। इत्थों ये सारी साखी का मुढ बजदा है ते ये साखी जिहड़ी आ गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आप अपने सिखां नूं सुनाई है शब्द समेत, ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विच पावन शब्द दर्ज भी कर दिता। सो कहण तों भाव कि जदों भगवान परमात्मा प्रगट होए तां मरी हुई गां भी जिंदा हो गई। नामदेव जी कहिंदे आ कि हुण इहनूं वंगा पा दिओ, ना न्याणा पा दिओ, नामा प्रणवै सेल मसेल गऊ दहाई वशरा मेल। कहिंदे ने कि जदों वछे दा गऊ दे नाल मेल होया, भाव माँ ते पुत दा मिलाप होया, तां गऊ ने दहाई देनी शुरू कर दित्ती, भाव डिंगणा शुरू कर दित्ता उच्ची उच्ची। करामात हो गई, परमात्मा की रहमत वरत गई। फिर कहिंदे आ कि दूध है दोहे जब मटकी भरी, पिछले दिन भी यह लफ्ज आया सी, दोहे तो भाव हुंदा चोणा, जिवें आपां कहिंदे आ मझ चो ली ते माल वेले कहिंदे धार धार कढ ली, जां वक्रे वक्रे इलाके दे हिसाब दे नाल। ते जिहड़े हिंदू हिंदी बोलण वाले लोग ने ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਧੋ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਚੋਈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਟਕੀ ਭਰ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਧ ਹੈ ਦੋਹੇ ਜਬ ਮਟਕੀ ਭਰੀ ਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ, ਉਹ ਮਟਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲ ਮਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀ ਘੱਟ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੱਸ ਸਕਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਚੁਕਾਏ ਜਾਂ ਮਤਸਬੀ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ।
जिवें जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी को चंदू के चुके चुकाए फरेब चा के कैद किया तो मुड़ के फिर जदों हिक ते चढ़े गुरु के सिख शेर बन के ऐ प्रतीत हुंदा कि शेर खा ही चलिया तो फिर चीकां निकलिया। सो हुण ये बादशाह जिहड़ा ना इन्हें भी जदों संत सताया परमात्मा के भगत नूं सताया अपने महल में चलिया गया तो बड़ा पछतावा भी हो गया तो औखी घड़ी भी आन बनी है हुण जान बड़ी औखी है। सो नामदेव जी खुद लिख दिया कहिंदे आ कि औ घट की घट लागी आए उत्थे उहदे उत्ते औखी घड़ी आन बनी वो सहम गया बहुत डर गया। काजी मुल्ला बिनती फुरमाए कहिंदे ने कि काजियां ते मुल्ला दे राही बिनती करके भेजी नामदेव जी नूं तरले मार रहे हूँ नामदेव जी नूं बेनतियां करदे आ की बेनती करदे आ काजी मुल्ला बिनती फुरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए। इत्थी दा मतलब ये नहीं कि उन्हें कहा कि ऐ हिंदू मैं तेरी गां बख्श दित्ती क्या अज तो हलाल नहीं करांगा। इत्थे बादशाह तरले रह रहा है कि हे हिंदू भगत कृपा कर मैनू बख्श ले मैं तेरी गां आ भाव कि मैं हुण निमाणा हो चुका है। पिछले समय का यह भी इतिहास सुनन मिलता है कि जदों किसी ने फरियादी होना हुंदा सी ना ते मूँह विच घा पा के फिर बादशाह दे अगे पेश हुंदे सी कि असी ते गऊआं तुहाडियां असी कुछ नहीं है। हुण बादशाह जिहड़ा इतना ज़्यादा सहम गया ते इतना ज़्यादा सहम दे विच आ के अपने आप नूं नीवां दिखा रहा कहिंदा है कि ऐ हिंदू ऐ नामदेव मैनू बख्श ले मैं तां तेरी गां वां मैं हुण कोई बादशाह नहीं। ये जो संकट की घड़ी मेरे उत्ते आण बनी है मैनू इस संकट की घड़ी विचों कढ़ो। बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए नामा कहे सुनो बादशाह। नामदेव जी कहिंदे आ बादशाह सुन ਇਹ ਕਿਸ਼ਪਤੀਆ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਵਿਖਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਿਆਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਗਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ ਪਤੀਆ ਮੁਝੇ ਬਦ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਾ ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਚ ਸੀਲ ਚੱਲ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਾਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਟਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲਓ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਤੀਆ ਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਾਵ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਚ ਸੀਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਲ ਭਾਵ ਸੀਲ ਸੁਭਾਉ ਚੱਲ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਚੰਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਚ ਸੀਲ ਚੱਲ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਭ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ
ये तो मेरे रब जी की कृपा है, ये उस परमात्मा की रहमत है। नाम दियो सब रहया समाए, मिल हिंदू सब नामे पह जाए। सारे हिंदू मिल के ना फिर नामदेव जी के घर जाना शुरू हो गए। इदा हुंदा है जदों कई बार सच के पहरा देने की गल हुंदी है उदों नहीं कोई भी बौड़दा, पर जदों गुरु साहब कृपा कर देंदे फिर सारे ही आ के वधाइया भी देंदे आ, फिर आलाशेरी भी देंदे आ, चंगा होया बहुत वधिया होया। ये जीवन च सच के खलो के जिन्हें वेख्या उन्हों पता है कि उदों नहीं कोई नाल खलोंदा। मजबूरी कह लो जां डर सहम कई तरह दीआं गल्लां हुंदियां जां कई समाजिक चुनौतियां भी हुंदियां कि लोग की आखणगे कि इहदे नाल खलो गया, पर मुड़ के बाद दे विच तांता लग जांदा लोकां दा, फिर आके वधाइयां भी दिंदे आ, हौसला भी वधाउंदे आ। यही गल इत्थे भगत नामदेव जी कहिंदे आ कि साडे नाल होई, शुरू तों इदां ही चलदा आउंदा। नामदेव जी कहिंदे आ कि मिल हिंदू सब नामे पह जाए, फिर सारे नामदेव दे घर आ गए ते नाल वधाइयां भी देंदे आ, हौसला भी देंदे आ, ते नाल पता की कहिंदे आ, जो अब की बार ना जीवै गाए, जे किते हुण गाण आ ना जिंदी हुंदी, हुण गाण आ जिउंदा हुंदी। जो अब की बार ना जीवै गाए, ता नामे का पतिया जाए। तां कहिंदे ने कि नाम नामदेव दा इतबार ही जांदा रहना सी। इन्हां लोकां नूं की पता है कि नामदेव कोई दुनियावी कार कोई दुनियावी थोड़ा धंधा कर रहे सी कि इतबार मर जाना सी। रब दे उत्ते भरोसा रख के यह सारा कार्य करन जा रहे सी, इस करके इतबार किवें टुटदा? क्योंकि रब परमात्मा कदे किसी दा इतबार नहीं तोड़दा। गल विश्वास की है, भरोसे की है। जे असी उस परमात्मा के प्रति भरोसा ही नहीं रखते, विश्वास ही नहीं रखते, फिर साडा इतबार अपना ही नहीं बनया, तो फिर निभेगी किवें? पर लोगों ने क्योंकि पहली गल सुनी सी जदों भगत जयदेव जी वाली जी आप साखी सांझी की है, कहिंदे उदों तां जयदेव वाला वर्तारा वरत गया ते तुहाडी जय जयकार हो गई, पर जे यार की पता तां लगना सी जे यार की गां ना जिंदा हुंदी। कई लोगों का सुभाव यह हुंदा है कि कह दिंदे पता तां लगना सी इदां हो जांदा, इदां ना हुंदा ते इदां हो जांदा। पर हुंदा क्यों? होना तो उही हुंदा जो परमात्मा रब जी नूं मंजूर है। सो ये सब भुलेखे ने जो लोगों ने नामदेव जी के कोल आके अपने प्रगट भी किए कि असी तो आ सोच रहे थे कि जे कि गां ना जिंदा होंगी तो फिर नामदेव का इतबार ही जाता रहना। जो अब की बार ना जीवै गाए, ता नामदेव का पतिया जाए। नामे की कीरत रही संसार, नामदेव की कीर्ति जड़ी है जस है उस संसार विच जुगो जुग अटल हो गया। अज भी कर रहे ना अपना नामदेव जी का जस गा रहे हैं, उन्हां दी उस्तत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया रब जी ते परमात्मा ते। ते नामदेव जी कहिंदे आ कि नामे की कीरत रही संसार, परमात्मा ने ऐसी कृपा कर दिती कि जिहड़े लोग साडा जस खत्म करना चाहुंदे सी कि हुण देखदे आ नामदेव दे नाल की हुंदा है। तमाशा वेखना चाहुंदे सी, तमाशबीन बन के जिमें कोई रंग तमाशा वेखण वाला चौंक कोई चुराहे च इकट्ठा हुंदा है, इदां शरेआम सज़ा दिती जा रही है। तो शरे बाजार लोग वेख रहे ने पर हील हुजत कोई नहीं कर रहे, ना कोई बचाउण दा यतन कर रहा, ना कोई तरला मारन दा। हाँ कुछ लोगों ने आख्या कि सोना बराबर ते तोल के दे दिंदे आ, पर बादशाह ने इनकार कर दिता सी। नामदेव जी कहिंदे आ कि नामे की कीरत रही संसार, भगत जना ले उधरिया पार। पर परमात्मा ने अपने भगतां नूं अपने सेवकां नूं चरनी ला के पार ला दिता। असलियत यह है, हकीकत यह है कि लोग नामदेव जी का जस कर रहे हैं कि नामदेव जी का जिहड़ी अंदर की अवस्था है वह यह है कि परमात्मा ने रब ने मेरे ते कृपा की। जां तां कोई यह सोच रहा है कि जे यार की ना बजदी तां पता लगना सी, ते जां कोई यह सोच रहा है कि नामदेव दी ते बड़े बल्ले बल्ले हो गई है, जय जयकार हो रही है। पर नामदेव जी कहिंदे कि साडी अंदर दी अवस्था यह है कि परमात्मा अपने भगत जना नूं अपने प्यारिआं नूं अपने चरणां दे नाल ला के इदां ही पार लगाउंदा है। वह बौड़दा है, वह सुणदा है, वह कदे भी अपने भगत नूं लवारस नहीं छड्दा, वह अपने भगतों का वारस बनता है। सो अखीर बख्शिश करते हैं, सगल कलेश निंदक भया खेद। कहिंदे ने कि सारा
ਸੁਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਏ ਅਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਕੀ ਰਹਿਣੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੇਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵਰਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਿੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਰੂਪ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੌੜਦੇ ਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘੜਿਆਲ ਨੇ ਸੱਤ ਚੋਟਾਂ ਘੜਿਆਲ 'ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਸੱਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਫੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਖੰਭਾਂ ਦਾ, ਭਾਵ ਐਨ ਆਖਰੀ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆ ਦੋ ਚੌਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖਤ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਐਸੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ ਜੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੌੜਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਿੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ।